जय हिंद दोस्तों, आप लोग को एक ऐसा फोन का अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, रिव्यू दिखाएंगे और फोन टोटली दिखाएंगे जो कि आप लोग देखिए भाई, जो कि काफी यूनिक डिजाइनिंग के साथ आता है, जो कि देख सकते हैं आजकल के फोन में काफी जो कि डिफरेंट डिजाइनिंग नहीं रह रहा है। बात तो सही है। लेकिन यह हॉनर के फोन में जो कि डिजाइनिंग काफी डिफरेंट और यूनिकनेस है, लेकिन यह डिजाइनिंग कॉपी है भाई। तो आप लोग सोचते हैं डिजाइन कॉपी है कैसे, तो देख सकते हैं नोकिया के फोन काफी साल पहले आते थे किस तरह का था, और इस फोन का डिजाइनिंग देख सकते किस तरह का भाई। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो इसके डिजाइन को बात कुछ होता है, आप लोग थोड़ा सा अनबॉक्सिंग देख लीजिए। आप फोन देख सकते हैं भाई, काफी प्रीमियम और बेहतरीन लग रहा है देखने में ना भाई। इसका प्रोटेक्शन से बात कर ले, इसमें ग्लास बैक आता है भाई, और फ्रंट में भी ग्लास आता है, और इसमें मेटल फ्रेम यानी अल्मोनियम फ्रेम के साथ आता है। बाकी इसका डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन से बात कर ले तो 6.8 इंच के साथ आता है, सुपर एमुलेट कह सकते हो, ओलेट कह सकते हैं भाई, 1.5K रेजोल्यूशन के साथ और 120Hz का रिफ्रेश रेट, HD या 10 वीडियो चला सकते हैं भाई, क्योंकि Honor Magic 6 Pro आता था वही सेम डिस्प्ले यहाँ पर डाला गया, डिस्प्ले बेस्ट एंड बेहतर भाई। बाकी इसका बैक यानी कैमरा से बात करें तो 53 कैमरा सेटअप है, जो कि 50 MP मेन है और 180 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है, नहीं 180 MP का टेलीफोटो लेंस है, जो कि ऑप्टिकली 2.5x जा सकता है और डिस्टेंस 100x तक जा सकता है। बाकी इसका जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल 50 MP के साथ आता है और सेल्फी भी 50 MP के साथ आता है, तो कैमरा के मामले में भाई Honor के फोन बेस्ट इन बेहतर आता है। इसका बैटरी से बात करें तो 5600 mAh के साथ आता है, ये काफी तगड़ा है। चार्जिंग जो कि 80W सपोर्ट करेगा और 66W वायरलेस चार्जिंग और 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा, यही कुछ मिल जाएगा भाई चार्जिंग के मामले में। बाकी इसका ताकत और परफॉर्मेंस से बात कर लो तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आएगा, जो कि काफी तगड़ा और स्टेबल प्रोसेसर है भाई, तो इसके बारे में नहीं बात करते। रैम भी जानते हो कि काफी आजकल LPDDR5X चलेगा, स्टोरेज UFS 4.0 के साथ आएगा, तो अच्छा एक ऑप्टिमाइजेशन रहता है तो अच्छा गेमिंग होगा, काफी बेहतर हो सकता है। बाकी इसका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से बात करो तो इसमें एंड्रॉइड 14 आएगा और Honor का खुद का OS आ जाएगा। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा और ऊपर से इसमें IP68 रेटिंग मिल जाएगा, जो कि यह नहीं पता कि कितना मीटर पानी में डुबाना और कितने घंटे या कितने मिनट के लिए, यह नहीं पता हमको। बाकी इस फोन में आप लोगों को इतना भी कोई खास नेक्स्ट लेवल का नया चीज है नहीं भाई। बाकी देख सकते भाई साहब, जो चाइनीज यूट्यूबर है देख सकते काफी फ्लैगशिप फोन से कंपेयर कर रहे, काफी चीज में दिखा रहे कि मेरा फोन कैसा क्या है, Honor का फोन कैसा है नहीं है भाई, सैमसंग से एप्पल से हर एक फोन से जो कि फ्लैगशिप आता है सभी से कंपेयर करके दिखा रहे हैं, एक तरह से ताकत का अंदाजा लग रहा है भाई। बाकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप लोग देख सकते काफी बेहतरीन आ रहा है देखने में, तो आपको भी अच्छा लगेगा हमको भी लग रहा है, लेकिन भाई पर्सनली एक्सपीरियंस करिएगा तभी बता सकते क्या है नहीं है भाई। बाकी आप लोग सोच रहे कि इसका प्राइसिंग चाइना में 70,000 या 80,000 के प्राइसिंग में आया भाई, बाकी इंडिया में देख सकते कैसे 83,000 के प्राइसिंग में आएगा, लेकिन यह नहीं पता कि कौन सा वेरिएंट के साथ आएगा भाई। बाकी इसमें तो 24 GB तक रैम जाता है, 1 TB तक स्टोरेज जाता है। बाकी आप लोग सोच रहे कि यह फोन इंडिया में कब आएगा, तो भाई Honor वाले अभी फिलहाल बजट फोन को ला रहे, फ्लैगशिप फोन को नहीं ला रहे हैं, तो समझ सकते हैं। बाकी कैसी फाइव पर दिखा रहे हैं तो भाई ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि सैमसंग और एप्पल को ही लेना ज्यादा पसंद करते हैं लोग। बाकी आप लोग यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग खुद समझदार है। बाकी चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होता है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।